हेलो दोस्तों, मैं हूं विनोद खेमानी और इस चैनल पर हम बात करते हैं मेंस लाइफस्टाइल के बारे में, स्टाइलिंग, ग्रूमिंग, फिटनेस, यू नेम इट, वी गॉट इट। एंड मैन, इट फील्स ग्रेट टू बी बैक ऑन यूट्यूब। इट्स बीन अ व्हाइल, बहुत दिनों से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज मैं काफी दिन से ट्रैवल कर रहा था, वेडिंग्स थी रिलेशंस में और एक हॉलीडे प्लान किया था, वेकेशन प्लान किया था फैमिली के साथ। सो आई वॉज आउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इट फील्स ग्रेट टू बी बैक। एंड आज हम बात कर रहे हैं How you should apply wax, अपने बालों पर किस तरह आपको wax apply करना चाहिए, dry hair पर या wet hair पर। बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि जब आप wax apply करते हैं अपने बालों पर उनको style करने के लिए, तो आपके बाल जो है वो गीले होने चाहिए, सूखे होने चाहिए कि somewhere in between होने चाहिए, dry मतलब आपने dryer use करना चाहिए, मतलब ये सारी queries आती रहती मेरी तरफ। अब देखिए, सबसे पहली बात hair wax जो है उसको apply करने का there is no set rule, एक कोई पर्टिकुलर एक ही तरीका नहीं है जिससे आप वो कर सकते हैं कि सिर्फ गीले बालों पर ही करना है या ड्राई हेयर पे करना है, ड्राई बालों पे करना है या कुछ बीच में रखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है। चाहे वैक्स आपकी कोई भी हो, इट डज नॉट मैटर आपकी कौन सी वैक्स है, एंड लाइक इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। सबसे पहली बात यह, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। दूसरी बात आती है, ये ट्रायल एंड एरर पे होता है। अब मेरे बालों में वॉल्यूम काफी ज्यादा है, राइट, सो मेरे बालों का जो मैं अपने बालों के लिए करूंगा, फॉर समवन हु हैज लाइक सिल्की है, सॉफ्ट है, माय हेयर आर वेरी थिक और वॉल्यूम भी है उनमें, मैं अपने बालों को जो स्टाइल करने का तरीका होगा वो काफी अलग होगा। और ये पर्सनल चॉइस पे है, राइट, ये पर्सनल चॉइस पे है कि आप कौन सी वैक्स को कैसे अप्लाई करते हैं। अब मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल दिस इज ये, दिस इज मोहॉक, मोहॉक फर्म्ड, एक्सट्रीम एंड फर्म, इस पर पहले वीडियो किया भी है मैंने। तो जैसे कोई भी वैक्स आप यूज कर रहे हैं, राइट, इट डिपेंड्स आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं उस टाइम पर अपने बालों से, राइट। फॉर एग्जांपल अगर आप वैक्स अप्लाई करते हैं व्हेन योर हेयर आर वेट, आप जस्ट शावर लेके निकले हैं, आपने टॉवल ड्राई किया अपने बालों को, राइट, तो वो थोड़े गीले हैं, थोड़े आपने टॉवल से सुखाए हैं लेकिन फिर भी पानी है उनमें, अगर आप उस वक्त वैक्स अप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो होगा थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, राइट। ड्राई बालों पर अप्लाई करेंगे तो वो रिजल्ट आपको डिफरेंट मिलेगा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। जब आप टॉवल ड्राइड हेयर पे, जब बाल आपके गीले हैं हल्के से, उस पर आप वैक्स अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, यू गेट मोर कंट्रोल। जब वैक्स और पानी मिलता है, क्योंकि पानी की वजह से आपके जो हेयर है, आपके जो बाल है वो थोड़े हैवी होते हैं, राइट, और उस पर जब आप वैक्स अप्लाई करेंगे तो वो वैक्स और वाटर का जो कॉम्बिनेशन होगा वो बालों को ज्यादा अच्छे से सेट करता है, होल्ड आपको ज्यादा मिलेगा, ठीक। तो इसमें होगा ऐसा कि आपको कंट्रोल ज्यादा मिलेगा और वॉल्यूम कम, क्योंकि बाल आपके प्रेस हो जाएंगे बिकॉज ऑफ वाटर एंड वैक्स, राइट, तो आपको कंट्रोल ज्यादा मिलेगा और वॉल्यूम कम मिलेगा। आप बात करते हैं ड्राई हेयर पे, जब आपके बाल पूरी तरह सूखे हैं उस पर भी वैक्स अप्लाई की जाती है, एज आई सेड देयर इज नो सेट रूल। तो अगर आप ड्राई हेयर पर वैक्स अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आपके बाल उतने अच्छे से सेट नहीं मिलेंगे, होल्ड आपको फिर भी मिलेगा, नो डाउट अबाउट दैट, लेकिन वो होल्ड जो रहेगा वो थोड़ा फ्लो में रहेगा, राइट, एकदम सेट नहीं हो जाएंगे। लाइक अभी जब मैंने वैक्स अप्लाई किया था तो मैंने टॉल ड्राई हेयर पे किया था, मीनिंग बाल थोड़े से गीले थे और उस पर वैक्स अप्लाई किया, दिस इज द लुक, थोड़ा शाइनी लुक मिलेगा, थोड़ा ज्यादा कंट्रोल रहेगा, राइट, और वॉल्यूम थोड़ा कम रहेगा, तो कंट्रोल ज्यादा, वॉल्यूम कम गीले बालों पर। जब आप ड्राई बालों पर लगाते हैं तो आपको कंट्रोल जो है वो कम मिलेगा लेकिन वॉल्यूम ज्यादा मिलेगा, क्योंकि आपके बाल वो पानी और वैक्स के वेट से प्रेस नहीं हो रहे, राइट। सो इफेक्ट दोनों का अलग है, और दोनों अब कौन सी जगह पे, दिस इज मोस्टली द इवनिंग लुक व्हेन यू आर सूटेड अप, अभी वैसे भी शादियों का सीजन है, इवनिंग में जब आप बाहर जाते हैं थोड़ा सा व्हेन यू आर ड्रेस्ड अप एंड ऑल, तो अब ये लुक जो है उस पर ज्यादा जाता है, आई कॉल दिस इवनिंग लुक व्हेन यू हैव अ बिट ऑफ शाइन इन योर हेयर आर नाइसली सेटल्ड, वेयर एज ड्राई हेयर इज मोस्टली फॉर द डे, दैट्स जनरली व्हाट आई डू। वो होता है ऐसा कि आपने सूखे बालों पर वैक्स अप्लाई करना है, वॉल्यूम रहता है, फ्लो रहता है, सो ये बेसिक डिफरेंस है जब आप गीले बालों पर लगाते हैं और सूखे बालों पर लगाते हैं। तो पहले भी मैंने वीडियोस किए हैं ऑन हाउ टू सेट योर हेयर विद हेयर स्टाइलिंग वैक्स, तो ये एक क्वेरी मुझे बहुत आ रही थी कि आप गीले बालों पर यूज करते हैं वैक्स या आप सूखे बालों पर करते हैं, सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स गाइस, देयर इज नो सेट रूल एज आई सेड, राइट।
So this is the video, guys. I hope this helps. And अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो don't forget to like it. और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो do subscribe because we come up with a lot of videos on styling, grooming and fitness, right? So this is it, guys. This was the video. Hope to see you on the other side. See you in the next video. In the meanwhile, this is VK signing off, guys. Bye bye and take care.